दोस्तों, हम रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब भी कोई न्यूज आती है तो हम उस शेयर के पीछे भागने लगते हैं, और वो शेयर जब न्यूज आती है तो वो सर्किट में हो जाता है, अपर सर्किट लग जाता है, उसके बाद वो हमें नहीं मिलता है और हम खरीदते हैं उसको 2-3 दिन के बाद, यानी जब तक उसमें 25%, 30%, 40% तक बढ़ जाता है तब हम जाके खरीदते हैं, और जैसे ही हम खरीदते हैं वैसे ही शेयर उस दिन से गिरना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक शेयर के बारे में बताने वाला हूं, और ये भी बताने वाला हूं कि हमें इस शेयर में अभी बाई करना चाहिए या नहीं बाई करना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग मिलती है, जो कि आप शेयर मार्केट को सीखने में और शेयर कैसे, कौन से जगह पे बाई करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए, उसके बारे में बताया जाता है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आपको हम वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। देखिए, ये शेयर है बिरला केबल का। मैं पहले ही नाम बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग नाम देख करके ही बाई करने चले जाते। दोस्तों, मैं फिर आपको बोलूँगा, आप बाई करने से पहले एक बार मेरे एनालिसिस को देखिए, क्यों मैं किसी भी शेयर पे स्टडी करता हूँ, कैसे करता हूँ, आप भी देखिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद कोई भी बाई और सेल का डिसीजन अपने हिसाब से लीजिए। तो आइए हम आपको इस शेयर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जिस तरह आपने देखा कि इसके बारे में न्यूज़ आया ये था कि गवर्नमेंट ने बाहर से जो भी फाइबर ऑप्टिक केबल और इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें यूज होती उन पे बैन लगाने के लिए, यानी इंपोर्ट को बैन लगाने के लिए, ये जैसे ही न्यूज आया तो उस समय जो भी कंपनियां इससे रिलेटेड काम करती थी, यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल, इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज, इन पे जो भी कंपनियां काम करती थी उनके शेयर उस 2-3-4 दिन में ही कम से कम 50% से ज़्यादा भाग गए। और उन्हीं बीच में बहुत सारे हमारे रिटेल भाई वो गए और सर्किट पे सर्किट के चक्कर में जो है एक दिन ले भी लिया तो उसके दिन से दूसरे दिन से नीचे गिरने लगा। तो क्या ये शेयर अब बाई करने लायक है या नहीं, चलिए आइए देखते हैं। और एक और बात बता दें, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 2 दिन पहले का मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय शेयर का प्राइस आप जब देख रहे हैं उस समय थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो हमें ओवरऑल पिक्चर समझनी है कि हमें क्या करना है इस शेयर के साथ। हमें प्राइस अभी नहीं देखना है कि ये कौन से प्राइस पे है, 10 रुपये ऊपर है, 5 रुपये नीचे, ये आपको नहीं समझना। समझना क्या है कि क्या ये शेयर में इतना पोटेंशियल है कि ये यहाँ से भी 10 गुना जा सकता है, हमें ये देखना है। 423 का हाई लगाने के बाद से अभी ये शेयर आपको 32%, यानी मोटा मोटी 30 से 32% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन हम से रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि जब हमें शेयर डिस्काउंट पे मिलता है हम वहाँ पे बाई नहीं करते, लेकिन जब भाग रहा होता है तो हम सोचते हैं कि मिल जाए तो हम बाई कर लें। ये सबसे बड़ी गलती हम रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। इस गलती को अगर सुधार लें तो हम प्रॉफिट में, बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। डिस्काउंट पे है तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी जाएं और बाई कर लें। तो ये देख सकते हैं, पिछले 6 महीने में 31% डाउन होने के बाद भी इसने 58% का रिटर्न दिया है, यानी कि ये अगर ऐड करें, 32% इसमें ऐड करें तो ये आपका हो जाता है सीधा 80%। इसका फंडामेंटल देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है इसका नाम है बिरला केबल लिमिटेड। दोस्तों, आपको पता है कि बिरला ग्रुप कोई छोटा ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है। उस ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है और ये कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इसका जो काम है आप देख सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, यानी कि जो इंटरनेट आजकल चल रहा है 4G 5G के लिए जो फाइबर का केबल यूज होता है, अभी फाइबर का केबल अपने इंडिया में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसमें बहुत बड़ा स्कोप है,
आप अपने घर से देखिए, क्या आपके घर में फाइबर ऑप्टिक केबल है? नहीं है। मतलब जितना भी इसका केबल है और जो एक्सेसरीज है वो ज़्यादातर इंटरनेट में यूज होता है, इंटरनेट डिवाइस में यूज होता है, यानी कि फ्यूचर के हिसाब से बहुत ब्लास्ट होने वाला है। तो उसमें ये कंपनी काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं, 848 करोड़ का मार्केट कैप है और अभी करंट आपको 282 रुपये के प्राइस पे मिल रही है, जो कि 433 का हाई लगा करके आपको 282 के प्राइस पे मिल रही है, यानी मोटा मोटी आपको 32 से 34% के डिस्काउंट पे मिल रही है कंपनी। और स्टॉक का पी आप देखिए, ये कोई बहुत महंगा शेयर नहीं है। आप एक देखिए कि स्टॉक का पी 22 का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है, जो कि एक स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है और आपको डिविडेंड भी देती है। और इसका आरओसी आरओई आप देख सकते हैं, एक अच्छे लेवल पे है, 18.4 और आरओई 16.1 के आसपास, यानी कि जो ये आरओसी आरओई है वो खराब लेवल नहीं है। और कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है, जो कि नेक्स्ट कभी भी कंपनी स्प्लिट कर सकती है। ये जरूरी नहीं कि अभी स्प्लिट करे कभी, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई इसके लिए हम लोग शेयर बाई नहीं करते हैं। और कंपनी के ऊपर डेप्ट भी ना के बराबर है, यानी कि 0.062 है। और कंपनी का इंडस्ट्री पी आप देख सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा कम कम पी पे मिल रहा है, जो कि बहुत एक अच्छा लेवल। और मैं इसमें एक बहुत अच्छी बात आपको बताने वाला हूँ कि ये कंपनी बहुत ही फेयर वैल्यू पे मिल रही, अंडर वैल्यू है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हैं 66.4% है। और इसमें सबसे अच्छी बात आपको ये देखनी चाहिए कि ये एक अंडर वैल्यूड शेयर है। मैं क्यों अंडर वैल्यूड बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू 386 रुपये का है, जबकि कंपनी आपको मात्र 285 रुपये के आसपास मिल रही है। तो ये बहुत अच्छा मौका है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज ही आपने बाई किया और आज ही से शेयर चलने लगेगा। हो सकता है कि ये शेयर कुछ दिन कंसोलिडेट करे, लेकिन ये आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा। अगर आपका नज़रिया 2 साल 3 साल 5 साल का है तो ये आपको बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अगर ये कंपनी आपको 250 के लेवल पे मिल जाए तो बहुत ही सोने में सुहागा, जिसको बोलते हैं ना सोने में सुहागा हो गया। अभी जिस लेवल पे है, मेरे हिसाब से इसमें एक किस्त लगाने लायक, यानी अगर आप 1 लाख इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी ये मेरे हिसाब से 25,000 रुपये आराम से लगाने लायक है पहली किस्त। फिर उसके बाद थोड़ा गिरेगा तो फिर मतलब इसको 250 पर फिर आपको दूसरी किस्त लगाने लायक हो जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये 250 नहीं जाएगा। और अगर चला भी गया तो बहुत ऐसे लोग हैं जो इसका वेट कर रहे हैं कि 250 पे आए, वो पहले ही इसको बाई करने के लिए बैठे हैं। तो आइए अब इसके सेल्स को देख लेते हैं। इसका सेल्स आप देख सकते हैं कि जो कि 2020 सितंबर 2020 में 67.55 करोड़ था, जो कि क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयरली भी बढ़ा है। 2021 में 137.78 करोड़ हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा डबल, ईयरली में इसका डबल हुआ है। और उसके बाद से लगातार इसका प्रॉफिट क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयरली भी बढ़ा है। सितंबर 2022 में आप देख सकते हैं 167 करोड़ से 199 करोड़ हो गया, 137 करोड़ का सेल्स जो कि 2020 में था, 2021 में था, वो 2022 में
199,34,34 करोड़ हो गया, आप ये देखिए। और अभी करंट में 174 हो गया, यानी इस वक्त थोड़ा डाउन है, जिसकी वजह से आपको ये शेयर 30% के डिस्काउंट पे मिल रहा, सिर्फ इसी वजह से। और ऐसा नहीं होता कि कंपनी जो है एक दो क्वार्टर में अगर सेल कम कर दिया तो वो बर्बाद हो गई, गिर गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें कोई खराबी तो नहीं है, लेकिन इसमें मुझे जहाँ तक दिख रहा वहाँ कोई भी खराबी नहीं दिखी है। और एक और चीज़ देखिए, कंपनी का प्रॉफिट इस समय आप कम हुआ है, इसीलिए कंपनी के प्रॉफिट कम होने की वजह से कंपनी आपको डिस्काउंट पे मिल रही। अगर इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कम नहीं होता तो ये आपको इस डिस्काउंट पे नहीं मिलती। अब हम देख लेते हैं कंपनी का ईयरली सेल। आप देखिए, 75 करोड़ से बढ़ के 124 करोड़, 291 करोड़, 264 करोड़, यानी कंपनी का सेल्स हर साल इंक्रीज हो रहा है, हर साल इंक्रीज हो रहा है 2017। अब ये देखिए कि अभी के टाइम पे 794 रुपये का, 794 करोड़ का कंपनी का। हम 2021 से लेते हैं, 2021 में 329 करोड़, फिर 535 करोड़, 792 करोड़, और अभी करेंट क्वार्टर में चल रहा है TTM बेस पे 794 करोड़। यानी जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसमें कंपनी का, ये अभी दो क्वार्टर के रिजल्ट बाकी हैं, इनमें कंपनी का ये कंपनी आपको डबल होती हुई जाएगी। यानी कि 2023 में जितना सेल हुआ है 792 करोड़, वो आपको 1400 के आसपास का दिखाई देगा। और इसी तरह प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि पहले 11 करोड़, फिर 29 करोड़, फिर 45 करोड़, फिर उसके बाद में 52 करोड़, जो कि अभी। और ये प्रॉफिट आपको जो 2024 का मार्च आएगा उसमें आपको ये कम से कम 100 करोड़ के आसपास जाएगा। और इसी तरह कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, आप देख सकते हैं, 10 साल में 20%, 5 साल में भी 20%, 3 साल में 53%, और करंट में 22%। उसी तरह आप ये देखिए कि जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है 224% है 3 साल में। अब हम कंपनी के ऊपर जो कर्जा है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो हमें देखना जरूरी होता है। तो रिजर्व देख सकते हैं, कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है हर ईयर में कंपनी का रिजर्व इंक्रीज हुआ है, और बोरोइंग भी इंक्रीज हुई, यानी कि कर्ज भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन कर्ज रिजर्व के तुलना में बहुत कम है। जैसे आपने देखा कि 0.63 का रेशियो आ रहा है। अब हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। हालांकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें आपको FIs DIs ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत रिस्की होती है, इसीलिए FIs और DIs इसमें ऐसी छोटी कंपनियों में नहीं मिलते हैं। तो देख सकते हैं आप कि इसमें अभी सितंबर मंथ में, पहले FIs थोड़े थे लेकिन इस क्वार्टर में कम हो गए हैं। हालांकि हमें उन्हें देख करके बाई सेल नहीं करना, हमें एक फंडामेंटल मजबूत कंपनी देख करके उसमें बाई सेल करना होता है। हमें FIs और DIs उनके हिसाब से नहीं चलना। हाँ, उनको ये देखना होता है कि वो किस कंपनी में बाई कर रहे हैं। अगर कंपनी अच्छी है, हमारे लिए फिट बैठती है, तभी हमें उसमें बाई करना। ऐसा नहीं है कि कंपनी कैसी भी है और अगर FIs बाई कर रहे हैं तो हम बिना देखे हुए बाई कर लें, और जब वो सेल कर रहे हैं तो हमें पता नहीं लगता, क्योंकि वो जब बाई कर रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट उनका आता है, क्वार्टर के बाद 3 महीने के बाद हमें पता चलता है उन्होंने किस में बाई किया, किस में सेल किया। तो हमें उन्हें देख के बाई नहीं करना, हमें ये देख के बाई करना है कि कंपनी का वैल्यूएशन सही हो, एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिले और अच्छे प्राइस पे अच्छी कंपनी मिले। तो आशा करता हूँ कि आपने मेरे एनालिसिस को देखा होगा और आप इस शेयर में बाई करने की सोच रहे होंगे। लेकिन
आपको मैं पहले बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, एडवाइज़र नहीं हूं। आप अपना बाई का कोई भी कॉल लें, रिसर्च करें, आप देखें। बस मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करता हूं कि जो कंपनी के फंडामेंटल हैं और जो कंपनी एक सही वैल्यूएशन पे है, सिर्फ उसकी जानकारी देता हूं, ताकि आप भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके